जय हिंद दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। SSC GD GK के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा ये 22वां वीडियो है, तो समय ना गंवाते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो इसका आंसर होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में मैं बता दूं कि ये जो है ना, बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खान कौन था? अकबर का संरक्षक था। इतना इनके बारे में आप याद रखिएगा। अकबर ने जो ना इनको मीर अर्ज के पद पर नियुक्त किया था। मीर अर्ज के बारे में मैं बता दूं, एक प्रकार से जो है ना, सम्राट व जनता के बीच की कड़ी, जनता की फरियादें सम्राट तक पहुंचाना और सम्राट के जो फैसले हैं ना वो जनता तक पहुंचाना, ये मीर अर्ज का काम था। बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। बाकी बैरम खान अकबर के संरक्षक था। 13 वर्ष की आयु में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और अकबर अनाथ हो गया था, उस टाइम पे बैरम खान ने ही जो ना अकबर का पालन पोषण किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, इनका समाचार पत्र था केसरी। बाल गंगाधर तिलक जो है ना, 1856 से 1920 तक का इनका जीवन काल रहा था। इन्होंने जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। समाचार पत्र जो इन्होंने निकाले थे, एक तो निकाला था इन्होंने मराठा, ठीक है, दूसरा निकाला था इन्होंने केसरी। तो मराठा जो निकाला था ना, ये निकाला था अंग्रेजी में और केसरी निकाला था मराठी में। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही इन्होंने जो है ना, ये केसरी में जो है ना ब्रिटिश शासन के कटु आलोचकों में तो थे ही, इसी वजह से जो है ना इनको जेल में डाल दिया गया था और जेल से ये रिहा हुए थे 1914 के सर्दियों में, ठीक है। तो इसके बाद जो ना, रिहा होने के बाद में जो ना इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल भारत में जो है ना दो गठित हुई थी, एक एनी बेसेंट ने की थी और एक जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी, ठीक है, और जो एनी बेसेंट ने की थी ना वो सितंबर 1916 में की थी। तो जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय था पूना। ये इतना आप इनके बारे में जो है ना याद रखिएगा। इसी के दौरान जो है ना ये काफी लोगों के बीच में जो है ना प्रसिद्ध हो गए थे और इनको जो ना लोकमान्य की उपाधि दी गई थी लोगों के द्वारा, ठीक है। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी गई हैं वो मैं आपको बता दूं, एक जो बार बार पूछी जाती है, गीता रहस्य के रचयिता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। द ओरियन, द आर्कटिक, होम ऑफ वेदाज करके इनकी कुछ अन्य पुस्तकें थी जिनको भी आप याद रखिएगा, बट गीता रहस्य जो है ना आप नोट डाउन करके रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है 1435 ईस्वी में हुई थी। गजपति साम्राज्य की बात करें ना, तो 1435 से 1541 तक इन्होंने जो ना शासन किया था। इसका जो संस्थापक था ना वो था कपिलेंद्र देव, यही इनका संस्थापक था। और कखरुआ देव जो है ना, ये इनका अंतिम शासक था। गोविंद विद्याधर ने ना कखरुआ देव की हत्या कर दी थी। और कौन से राजवंश की स्थापना की थी? भोई राजवंश। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो जो भूमि है ना वो हमारी मानव पूंजी नहीं है। मानव पूंजी बेसिकली क्या होती है, जिससे इंसान में जो ना उन्नति होती है। जैसे शिक्षा अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता डेवलप कर पाते हैं, प्रशिक्षण से हम हमारी
नई चीज़ों को सीख सकते हैं और जो जो चीज़ हम कर रहे हैं उनमें ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। वही स्वास्थ्य देखभाल, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। इस लिहाज से जो भूमि है ना वो मानव पूंजी नहीं है, तो मानव पूंजी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य जाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो तलवार नृत्य जो है ना छोलिया, यह छोलिया एक परंपरागत लोक नृत्य है उत्तराखंड का। इसमें जो है ना तलवार वगैरह के साथ में डांस किया जाता है और वहाँ पे जो है ना देहरादून के आसपास वाले रीजन में जो है ना ये बहुत ही प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल पर कौन से में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? तो ये जो है ना कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। इसके अलावा जो ना लकड़ी की नालियाँ और पक्की सड़कें भी जो है ना कालीबंगा में ही खोजी गई थी। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, भूकंप के जो है ना प्राचीनतम अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। ये चीज़ याद रखिएगा, अमलानंद घोष ने जो है ना यहाँ इसकी खोज की थी। बनावली से अगर बात करें ना तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है और रेडियल गलियां जो है ना यहीं से प्राप्त हुई हैं। बनावली हरियाणा में पड़ता है, हिसार में। लोथल की बात करें तो अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं, गोदीवाड़ा था ये, बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में इतना आप ध्यान रखिएगा। और धोलावीरा में जो ना स्टेडियम प्राप्त हुआ है और सूचना पट्ट जो है ना ये प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो ना राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। मैं आपको बता दूं कि जो राज्य की कार्यपालिका है ना वो संविधान के छठे भाग भाग 6 आर्टिकल की बात करें ना तो 153 से 167 तक के बीच में क्या आता है? राज्य कार्यपालिका, ठीक है? जैसे हमारे सेंटर में होती है वैसे राज्य की राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का गठन किन किन चीजों से मिलकर होता है? राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद प्लस महाधिवक्ता, इन सब चीज़ों से मिलकर जो ना राज्य कार्यपालिका का गठन होता है। महाधिवक्ता जो है ना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल जो है ना इसको महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी प्रकार जो है ना हमारा जो राष्ट्रपति है ना वो अनुच्छेद 76 के तहत जो है ना महान्यायवादी को जो ना नियुक्त करता है, तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला। इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा जो आप जिसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं राज्यपाल के बारे में, कि इसकी योग्यता क्या क्या होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु जो है ना पूर्ण कर चुका हो, और विधानमंडल या संसद का सदस्य जो है ना नहीं होना चाहिए। ये इसकी जो है ना पद के लिए कुछ योग्यताएं हैं जो इसको पूर्ण करनी होती हैं। और संविधान में जो है ना इसको नियुक्ति के लिए तो बताया गया है, लेकिन जो है ना इसको पद से हटाने के लिए कुछ नहीं बताया गया है। तो अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो इनको समय से पहले भी हटा सकता है, वरना जो ना इनका जो पीरियड होता है वो 5 साल तक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो है ना 1925 में हुआ था, 26 दिसंबर 1925 को कानपुर शहर में जो ना इसका गठन हुआ था। स्थापना किसने की थी? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम एन राय ने की थी। इस संगठन के द्वारा जो ना प्रकाशन किया जाता था, न्यू एज समाचार पत्र का जो ना प्रकाशन किया जाता था। ये युवा संगठन जो इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का था ना उसको बोला जाता है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। 1964 में जो ना इसमें जाके आगे विभाजन हो गया था, वो सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, बट इतना इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो बैंकों द्वारा जो ना यूआरएल वाली सेवा जो ना प्रदान नहीं की जाती। यूआरएल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ,
हम इंटरनेट पे जितने भी वेब पेज वेबसाइट वगैरह जो भी देखते हैं ना, उनका सभी का एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस होता है, और वेब एड्रेस क्या होता है, वो हमारा यूआरएल ही होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ शब्द है। बाकी आरटीजीएस, ईसीएस और एनईएफटी आदि जो है ना सेवाएं बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जाती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है ना हमारा सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची में, ये पड़ता है 98 मीटर की जो ना इसकी हाइट है। सुवर्णरेखा नदी की बात करें ना तो झारखंड से इसका उद्गम होता है, रांची से ही, उसके बाद में यह पश्चिमी बंगाल से होती ओडिशा में बहती है, और अंत में जो ना अपना जल इसका जल जाता है बंगाल की खाड़ी में। बाकी मैं आपको जलप्रपातों के बारे में और बता दूं, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ना वो है कुचिकल जलप्रपात। इसकी हाइट की बात करें ना तो 455 मीटर है। कर्नाटक के जो ना शिमोगा जिले में है। नदी कौन सी है ये याद रखिएगा, वराही नदी पे स्थित है कुचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा है। इसी प्रकार एक एग्जाम में पूछा जाता है जोग जलप्रपात, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यह जो है ना शरावती नदी पे है, और ये एक और है धुआंधार जलप्रपात, यह जो है ना नर्मदा नदी पे स्थित है, यह भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही पड़ता है जोग जलप्रपात। यह जो धुआंधार जलप्रपात है ना ये नर्मदा नदी पर है, ये जबलपुर शहर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है इसके अंदर में पड़ता है धुआंधार। तो इतना जो ना जलप्रपातों के बारे में आप याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आवारा जानवरों द्वारा काटना जो ना खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है उनसे खाद्य और जल प्रदूषण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्फा कण जो होते हैं ना हमारे हीलियम के द्वि आवेशित आयन होते हैं अल्फा कण, इन पे जो ना धनायन चार्ज होता है, ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो कि हीलियम के नाभिक में भी होते हैं, इन्हीं प्रकार इनका उत्सर्जन होता है। अगर बीटा कण की बात करें ना तो ये इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, ऋण आयन इनके ऊपर में होता है, और जो गामा कण होते हैं ना वो उदासीन होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये इनकी तीनों की प्रकृति भी जो ना आप याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011-12 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी, तो प्रतिमाह जो है ना ग्रामीण भारतीयों के लिए 816 रुपये, अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये न्यूनतम प्रति माह जो है ना आय का सृजन करता है तो वह व्यक्ति जो है ना गरीबी रेखा के जो ना नीचे नहीं है। गरीबी रेखा की बात करें ना तो सबसे पहले गरीबी रेखा का अनुमान जो है ना हमारे दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी जो है ना याद रखिएगा। बाकी आज़ादी के बाद में जो है ना विभिन्न समितियां बनी थी, जैसे योजना आयोग विशेषज्ञ समूह बना था 1962 में, दांडेकर व रथ समिति बनी थी 1971 में। दांडेकर व रथ समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो है ना पहली बार कैलोरी आधारित जो है ना गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सचिन तेंदुलकर समिति आदि पर, ये सॉरी सुरेश तेंदुलकर समिति आदि वगैरह जो है ना बहुत बनी थी समितियाँ, रंगराजन समिति। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी, ये सॉरी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? सहकारी समितियां जो है ना हमारी वो अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आती हैं, और अनुच्छेद 43B जो है ना 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है ना भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 43B किसके अंतर्गत आता है? नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है,
और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैं आपको जो है ना डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पहले वाले वीडियो जो जाके जो है ना देख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो है ना अकबर के टाइम पे शासन मंत्री थे। राजा टोडरमल के बारे में जो है चीज ध्यान रखिएगा, दहशाला पद्धति को जो है ना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो ना 1761 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हमारी हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। इसमें जो ना मराठों की हार हुई थी और बहुत बुरी तरीके से जो है ना मराठों के मेरे 30,000 के आसपास जो है ना मराठों का कत्लेआम मचा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होगा 1:8, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को जो ना विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा। रेशम के पालन करने को जो ना सेरीकल्चर बोलते हैं, ये हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा, सब्जियां फूल और फल उगाने वाला ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो संवाद कौमुदी जो है ना यह राजा राम मोहन राय का साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाली भाषा में, 1821 में प्रकाशन किया गया था। किसी भी भारतीय भाषा का जो ना पहला समाचार पत्र था ये, याद रखिएगा संवाद कौमुदी। बाकी अगर बात करें राजा राम मोहन राय की ना, तो ये 1814 में जो है ना इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, बर्मा सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी 1828 में। एक दर्जन से ज्यादा भाषाओं के जो है ना ये ज्ञाता थे। 1817 में इन्होंने जो ना हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर की मदद की थी। 1825 में जो है ना वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। ठीक है, इतना इनके बारे में जो ना आप याद रखिएगा। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन जो ना भारत में इन्हीं की वजह से हुआ था 1829 ईस्वी में, जो ना इन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो ना सती प्रथा को जो ना गैर कानूनी घोषित किया था। बहुत बड़े समाज सुधारक थे ये भारत के सबसे पहले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ। इसका आंसर होगा पट्टदकल। ये जो है ना हमारा कर्नाटका के अंदर में पड़ता है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ठीक है, इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है ना विरूपाक्ष मंदिर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी की अगर बात करें ना, तो इसकी राजधानी थी हमारी बादामी। ठीक है, यहाँ पट्टदकल में जो ना 8 मंदिर हैं, 4 तो हैं इसमें से द्रविड़ शैली के और 4 नागर शैली के हैं, और एक जो है ना मिश्रित शैली का मंदिर बना हुआ है। कौन सा? पापनाथ मंदिर जो है ना मिश्रित शैली का है। तो इतना जो है ना आप इसके बारे में याद रखिएगा। भारत में कुल जो है ना 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, उनकी सूची भी जो है ना आप याद कर लीजिए। एग्जाम में जो है ना बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड जो है ना एक भारतीय लेखक हैं जिन्होंने जो है ना बहुत से प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। ययाति और तुगलक उन्हीं में से दो हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में किस नदी में मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो भारत ये पंजाब से जो 5 नदियाँ निकलती हैं ना, वो पाकिस्तान के मिठानकोट में जो ना सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और उसके बाद में जो ये है ना कराची के पास में जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है सिंधु नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो ना किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये इसका आंसर है बंदा बहादुर।
बंदा बहादुर की बात करें ना, तो इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो ना संकल्पना की थी एक प्रभुसत्ता संपन्न लोक राज्य की राजधानी बनाने के लिए, कौन सी जगह को? लोहागढ़, लोहगढ़, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद में जो ना लोहगढ़ राजधानी का स्थापना जो ना बंदा बहादुर ने ही किया था। मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ा था इन्होंने। 1708 ईस्वी में जो ना ये आश्रम में पहुंचे थे, उससे पहले जो ना ये इनका जो ना मूल नाम लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को, दो बेटे थे, एक 9 वर्ष का और एक 11 वर्ष का, उनकी जो ना हत्या कर दी थी सरहिंद के वजीर खान ने। तो वजीर खान से जो ना हत्या का बदला लिया था बंदा बहादुर ने, और जो ना सरहिंद पर विजय हासिल की थी, और सतलज के दक्षिण में जो ना सिख राज्य की स्थापना की थी, और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम पे जो ना इन्होंने सिक्के चलाए थे, वह सिख साम्राज्य का प्रशासन संभाला था। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टारगेट एग्जाम्स को, ताकि आप, और साथ ही साथ बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज आज जो है ना आप कभी भी मिस ना करें। तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।